Micro Technologies India Limited. Your security is our concern. ISS. तो ये तो हमें जैसे अभी माइक्रो टेक्नोलॉजी से जैसे मेरे हस्बैंड जो हैं सत्य स्वरूप वो काफ़ी समय से इनके साथ एक दूसरे को जानते हैं तो उससे फिर ये प्रोडक्ट के बारे में जब पता चला तो उन्होंने कहा फिर जब इंस्टॉल करवाया तो पहले तो हम लोग को थोड़ा सा लग रहा था मतलब CCTV है ये क्योंकि और ऑफिस की सिक्योरिटी के लिए इसको तो हमने सोचा जब हमें पता चला इसके बारे में तो हमने बोला चलो क्यों ना हम लोग अपने ऑफिस में सिक्योरिटी फोर्सेस हम लोग इसमें इंस्टॉल करवा लेते हैं। तो फिर हमने लगवाया दो सिर्फ इसी एक कमरे में नहीं है बाकी सब में हमने लगवाया हुआ। तो पहले तो ठीक है मतलब पता चलता है सब लोग क्या कर रहे हैं किस तरह का और कुछ जो मेन बहुत ये तो चलता काफ़ी समय से हमने लगाया हुआ है लेकिन अभी बीच में हमारे ऑफिस में एक चोरी हो गई। चोरी मीन्स ऐसे हमने सोचा नहीं था कि कभी ऐसे कुछ होगा लेकिन वो सडनली एक दिन जब सवेरे कोई स्टाफ हमारे आए तो उन्होंने देखा कि ताला टूटा हुआ है और सब कमरों में सारा सामान फेंका हुआ है। तो उसके बाद में फिर जब आए हमने CCTV हमारे पास लगा हुआ था तो हमने जब देखा तो वो उन्होंने सब तोड़े हुए थे कैमराज जैसे हम लोग आए लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने बाहर के कैमराज के बारे में कुछ पता नहीं चला कि हमने नीचे भी लगाए हुए हैं दो कैमराज हैं। और उसमें फिर जब हमने उसको व्यू किया फिर माइक्रो टेक्नोलॉजीज के सबको टेक्निकल स्टाफ को बुलवाया और उन्होंने फिर उसको वापस सर रिकॉर्डिंग वगैरह चेक किया तो उसमें हमें पता चला मीन्स जब तक वो आए थे जो चोर जो थे वो आए तीन चार लोग थे जब वो आए तो उस समय तक रिकॉर्डिंग है कि उन्होंने एंटर किया क्योंकि नीचे सब पता चल रहा था तो वो सब रिकॉर्ड हो गया था। तो वो अंदर आके और उसमें जब अंदर आए तो वो भी उन्होंने मीन्स कैप्चर कर लिया था कैमरे ने ऑलरेडी तो जैसे ही उनको दिखा तो वो उन्होंने तोड़ दिया कैमरा तोड़ दिया तो फिर वो तो पहला कैमरा एंटर करके उन्होंने तोड़ा ग्राउंड फ्लोर पे। फिर ऊपर आए तो ऊपर भी वो उस रूम में पहले गए क्योंकि वो खुला था थोड़ा तो जैसे उसमें गए तो थोड़ा ओपन करके एक आदमी अंदर आया देखने के लिए कि शायद इसमें भी कैमरा होगा तो वो जस्ट अंदर आया तो उसको दिखा कैमरा है लेकिन वो उस समय अपना स्कार्फ वगैरह लगा के आया था फेस कवर किया था उसने और फिर उसने वो भी तोड़ दिया। फिर उसके बाद का फिर हमारे पास कोई रिकॉर्डिंग नहीं है लेकिन जो रिकॉर्डिंग से पता चला कि किस तरह से वो अंदर आए कैसे कैसे तो वो सारा कैप्चर कर लिया था कैमरे ने तो बहुत अच्छा लगा कि हमने ये मतलब इंस्टॉल कर लिया है। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को करना चाहिए क्योंकि काफ़ी हेल्पफुल है ऑफिसेस में ऑफिसेस में खासकर। और मुझे लगता है कि या तो उनको पता नहीं होगा ये ऑफिस है ये घर है तो हो सकता है वो घर सोच के आए हुए होंगे अंदर उन्होंने सोचा नहीं होगा कैमरेज लगे हैं घर में तो नॉर्मली कोई सोचता नहीं होगा कैमरेज लगे तो वैसे ही वो लोग यही सोच के आए होंगे कि घर है और लॉक लगा हुआ है तो हम लोग तोड़ लेते हैं यही सोच के आए होंगे। तो उन्होंने जब तोड़ा तो अंदर जब उन्होंने देखा तो सब डिफरेंट ही माहौल था ना क्योंकि सारे कंप्यूटर्स रखे हैं नीचे तो जो माइक्रो एसेस एज अ लीगल एविडेंस आपको यूज हुआ। हाँ हुआ ना वो पूरा आया क्लिपिंग रिकॉर्डिंग हमने उनको उन्होंने मतलब ऑफिस से हमें वो उसे पेन ड्राइव में CD सब बना के दिया उन्होंने तो आपको टेक्निकल सपोर्ट भी मिल गई माइक्रो टेक्नोलॉजी एकदम अच्छा बहुत फास्ट मतलब इमीडिएट जैसे हमने कॉल किया सत्य ने जैसे ही बोला कि भाई ऐसे तो वो इमीडिएट वो लोग आ गए और फटाफट। और किसी ऑफिसर्स को आप बोलना चाहते हो कि ये रेकमेंड करना चाहते हो? नहीं ऑफ कोर्स मैं तो रेकमेंड करूंगी कि जरूर लगाना चाहिए। मैं तो सोचती हूं कि घर में भी जैसे अभी किसी वर्किंग लेडी जिसके घर में कोई भी नहीं है तो अगर बच्चे हैं या ऐसे हैं तो घरों पे भी लगाएंगे तो मुझे लगता है काफ़ी नहीं मतलब 100% यूजफुल है क्योंकि हम लोगों को पता भी चल जा रहेगा कि देख भी सकते हैं क्योंकि इसमें लैपटॉप में मोबाइल में किसी में भी देख सकते हैं तो वो एक एडवांटेज है। इंटीग्रेटेड सर्विलेंस सिस्टम कंट्रोल सेंटर हाँ तो वो मतलब पूरा हम लोग को पता चलता रहेगा घर में क्या हो रहा है सर्विलेंस हैं तो किस तरह से क्या कर रहे हैं उसके लिए काफ़ी यूजफुल है। ऑफिसेस के लिए तो एनीवे है ही बट घर के लिए भी।